नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुल बुल। दोस्तों, आज का वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हॉइस्ट का कंट्रोल सप्लाई नहीं आ रहा है, आप हॉइस्ट चलाने गए लेकिन वहां पे देखा कि हॉइस्ट का कंट्रोल सप्लाई नहीं है, यानी अप डाउन फॉरवर्ड रिवर्स कुछ भी नहीं हो रहा है, मेन कॉन्टैक्टर भी ऑन नहीं हो रहा है, यानी आपको पता चल गया कि कंट्रोल सप्लाई नहीं है, ट्रिप भी नहीं हुआ है, तो क्या क्या रीजन हो सकता है, आप कैसे उसे चेक करेंगे, कैसे ट्रबल शूट करेंगे, मैं पूरा आपको डिटेल में समझाने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसे मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको ट्रबल शूटिंग कैसे करना है, ट्रबल शूटिंग प्रोसीजर के बारे में ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो में समझाया हूं, तो उसी तरह आज का वीडियो में आपको हॉइस्ट ट्रबल शूटिंग के बारे में आपको समझाने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इंडस्ट्री का हर एक इक्विपमेंट के बारे में आपको सिर्फ इसी चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। ट्रबल शूटिंग वीडियो और दूसरे चैनल पे आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, सिर्फ इसी चैनल में आपको ट्रबल शूटिंग वीडियो मिलेगा। इंडस्ट्री में जितना सारा प्रॉब्लम्स आता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रिलेटेड, सारे प्रॉब्लम का मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देता हूँ दोस्तों, चाहे मोटर हो, ट्रांसफार्मर, VFD, PLC, हॉइस्ट, क्रेन, रिले हो, ब्रेकर हो, सारे टॉपिक के ऊपर आपको ट्रबल शूटिंग वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। तो कंप्लेन आया कि हॉइस्ट नहीं चल रहा है, आपने जाके देखा कि कंट्रोल सप्लाई नहीं आ रहा है, तो कंट्रोल सप्लाई दोस्तों 230 वोल्ट का हो सकता है, 24 वोल्ट का हो सकता है, 110 वोल्ट AC का हो सकता है। तो आपने पता कर लिया कि कंट्रोल सप्लाई नहीं है, तो क्या क्या रीजन की वजह से कंट्रोल सप्लाई नहीं मिलता है? तो पहला कॉज हो सकता है कंट्रोल फ्यूज जल गया होगा। मैं पूरा आपको डिटेल में समझाऊंगा दोस्तों, कैसे आपको चेक करना है, क्या करना है, तो क्या क्या रीजन हो सकता है। नंबर टू रीजन हो सकता है कंट्रोल ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वोल्टेज नहीं आ रहा होगा। जाहिर सी बात है, अगर प्राइमरी वोल्टेज नहीं आ रहा होगा तो सेकेंडरी कंट्रोल सप्लाई भी नहीं मिलेगा। और एक रीजन हो सकता है कंट्रोल ट्रांसफार्मर ही जल गया होगा। नंबर फोर रीजन हो सकता है दोस्तों, कंट्रोल सर्किट में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा, कहीं पे शॉर्ट आ गया होगा, तो उसकी वजह से कंट्रोल सप्लाई नहीं मिल रहा होगा। तो मैं आपको हर एक पॉइंट आपको डिटेल में समझाऊंगा, एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, कंट्रोल फ्यूज जल गया होगा। सबसे पहले कंट्रोल फ्यूज को चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे? मल्टीमीटर लेके आपको चेक करना है। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तब भी आप फ्यूज को चेक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डिटेल में दिखाया था कैसे आप चेक कर सकते हैं, बिना मल्टीमीटर के भी आप फ्यूज को चेक कर सकते हैं। आपको उसी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्यूज को कैसे चेक करते हैं बिना मल्टीमीटर के, वो प्रोसीजर भी वहाँ पर आप सीख सकते हैं। तो आपने पता कर लिया कि कंट्रोल फ्यूज जल गया है, अभी आपको कंट्रोल फ्यूज को रिप्लेस करना है। लेकिन रिप्लेस करने से पहले थोड़ा चेक कर ले कि कंट्रोल फ्यूज का रेटिंग क्या है, कितना एम्पियर का कंट्रोल फ्यूज लगा है। अगर बिलो रेटिंग का कंट्रोल फ्यूज लगा होगा तो ज़्यादा चांसेस रहता है कुछ भी फॉल्ट ना होते हुए भी कंट्रोल फ्यूज चला जाएगा दोस्तों। इसलिए एक बार कंट्रोल फ्यूज का रेटिंग को चेक कर लें और स्टैंडर्ड रेटिंग का कंट्रोल फ्यूज को लगाएं, अप्रोप्रिएट रेटिंग का फ्यूज को लगाइए दोस्तों। तो आपने कंट्रोल फ्यूज को चेक कर लिया, कंट्रोल फ्यूज मान लीजिए सही है, तो अभी आपको क्या चेक करना है? कंट्रोल फ्यूज अगर सही है तो अभी आपको कंट्रोल ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, वो आपको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे दोस्तों? तो ये भी आपको मल्टीमीटर लेके ही चेक करना है। मल्टीमीटर लीजिए, मल्टीमीटर को वोल्टेज पे सेट कीजिए, AC वोल्टेज पे सेट कीजिए, और आप जो इनकमिंग प्राइमरी वोल्टेज है उसको आप मेजर कीजिए। ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वोल्टेज दिया जाता है 415 वोल्ट दिया जाता है, और सेकेंडरी साइड में आपका जो कंट्रोल वोल्टेज रहता है, जैसा कि ये हॉइस्ट में 240 वोल्ट का कंट्रोल सप्लाई है, तो यहाँ पे देखिए सेकेंडरी में 240 वोल्ट लिखा हुआ है। तो अगर आपका कंट्रोल वोल्टेज 24 वोल्ट AC का है तो आपका सेकेंडरी में 24 वोल्ट AC जनरेट होगा, लेकिन प्राइमरी में ज़्यादातर कंट्रोल ट्रांसफार्मर में 415 वोल्ट दिया जाता है। तो आपको मल्टीमीटर लेके ही चेक करना है प्राइमरी वोल्टेज कितना आ रहा है। जैसा कि दोस्तों देखिए, मैं एक फ्यूज को मैं निकाल देता हूँ, प्राइमरी साइड का एक फ्यूज को निकाल देता हूँ। निकालने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, टेस्टर लगाया तो देखिए दोनों साइड में दिखा रहा है, वोल्टेज दिखा रहा है, क्योंकि ये जो वाइंडिंग है दोस्तों,
ये वाइंडिंग की वजह से अगर एक एंड पे हम सप्लाई देंगे तो उसी सप्लाई दूसरा एंड पे निकल के आएगा। तो इसलिए दोस्तों आप टेस्टर से कभी भी चेक मत कीजिए, टेस्टर से चेक करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, दोनों साइड पे आपको वोल्टेज दिखाई देगा। तो हमेशा मल्टीमीटर लीजिए, मल्टीमीटर से ये वोल्टेज को मेजर कीजिए। तो आपने चेक कर लिया, मान लीजिए एक फ्यूज चला गया है, प्राइमरी साइड का एक फ्यूज चला गया है, तो वहाँ पे आपने देखा कि प्राइमरी कंट्रोल ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी फ्यूज है वहाँ पे एक फ्यूज चला गया। तो क्यों फ्यूज जाता है दोस्तों? फ्यूज जाएगा इसलिए क्योंकि कंट्रोल ट्रांसफार्मर जल गया होगा। तो अगर फ्यूज गया है तो उसका मतलब है कि कंट्रोल ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम है, तो आपको कंट्रोल ट्रांसफार्मर को चेक करना है। अगर कंट्रोल ट्रांसफार्मर जल गया होगा तो आपको कंट्रोल ट्रांसफार्मर को रिप्लेस करना पड़ेगा दोस्तों। ये तीनों पॉइंट आपने चेक कर लिया, यानी फ्यूज दोनों साइड का सही है, प्राइमरी फ्यूज सही है, सेकेंडरी फ्यूज सही है, कंट्रोल ट्रांसफार्मर भी सही है। लेकिन उसके बाद भी आप जब भी आप होस्ट को चलाते हैं तो उसी समय क्या होता है, कंट्रोल फ्यूज चला जाता है। आपने होस्ट का पेंडेंट को लिया, पेंडेंट से जब भी आप ऑन किए तो तुरंत ही फ्यूज चला जाता है दोस्तों। ये क्या रीजन हो सकता है? तो पहला रीजन हो सकता है कॉन्टैक्टर कॉयल जल गया होगा, यानी जैसे ही आपने मेन कॉन्टैक्टर को ऑन किया फ्यूज जा रहा है, उसका मतलब है कि कॉन्टैक्टर कॉयल जल गया होगा। और मान लीजिए आपने डाउन पुश बटन को दबाया, उस समय कंट्रोल फ्यूज जा रहा है, उसका मतलब है कि डाउन कॉन्टैक्टर का कॉन्टैक्टर कॉयल जल गया होगा। तो आपको क्या करना है, तो उसी कॉन्टैक्टर कॉयल को चेक कर दीजिए। तो आपको वहाँ पे फिजिकली चेक करना पड़ेगा, मल्टीमीटर लीजिए, चेक कीजिए, अगर पता चल जाए कि कॉन्टैक्टर कॉयल जल गया है तो आपको कॉन्टैक्टर को रिप्लेस करना पड़ेगा, नहीं तो कॉन्टैक्टर कॉयल को रिप्लेस करना पड़ेगा। और एक रीजन हो सकता है दोस्तों, आपका जो पुश बटन पेंडेंट रहता है, हो सकता है पेंडेंट के ऊपर ज़्यादा डस्ट बैठ गया होगा, ज़्यादा मॉइस्चर हो गया होगा, या जो टर्मिनल बॉक्स रहता है टर्मिनल बॉक्स भी ज़्यादा डस्ट हो गया होगा। बहुत दिनों से अगर आपने मेंटेनेंस नहीं किए होंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट बैठने का चांसेस रहता है, और उसी डस्ट की वजह से ये कंट्रोल सप्लाई अर्थ हो जाता है, ग्राउंड हो जाता है, तो इसकी वजह से भी फ्यूज जाने का चांसेस रहता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपने देखा कि मॉइस्चर हो गया है पेंडेंट में, कुछ पानी गिर गया है, पेंडेंट मॉइस्चर हो गया है, तो पेंडेंट को ड्राई कर दीजिए, उस पेंडेंट को हॉट ब्लोअर लगा के पूरा ड्राई कर दीजिए, पैनल को क्लीन कर दीजिए, कंप्लीट एक मेंटेनेंस कर दीजिए दोस्तों, क्लीन कर दीजिए एंड मेंटेनेंस कर दीजिए, उसके बाद आप होस्ट को चलाइए। ये दो पॉइंट करने के बाद भी अगर आपका फ्यूज कंट्रोल फ्यूज जा रहा है तो क्या रीजन हो सकता है, इसका मतलब है कि केबल कहीं पे फॉल्ट हो गया है। तो ज़्यादातर केबल कहाँ पे फॉल्ट होता है दोस्तों? केबल का ग्लैंडिंग जहाँ पे करते हैं हम लोग, ज़्यादातर वहाँ पे फॉल्ट रहता है, ये चांसेस रहता है ज़्यादा। तो एक बार पेंडेंट का केबल को चेक कर लीजिए, ग्लैंड को खोल के वहाँ पे देख लीजिए, हो सकता है वहाँ पे कहीं पे शॉर्ट हो, नहीं तो वो पेंडेंट केबल में कहीं पे शॉर्ट हुआ होगा। तो एक बार दोनों साइड का ग्लैंड को चेक कर लीजिए, यानी पैनल का ग्लैंड और पेंडेंट का ग्लैंड को चेक कर लीजिए। अगर आपको फिर भी पता नहीं चल रहा है तो आप केबल को मेजर कर दीजिए, मेजर करने से ही आपको सही आइडिया हो जाएगा। दोस्तों केबल फॉल्ट को आप आसानी से पता नहीं कर सकते, आप मेजर लेके जाएंगे, मेजर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि केबल तो फॉल्ट है, लेकिन कौन सा लोकेशन पे फॉल्ट हुआ है आप मालूम नहीं कर सकते, आसानी से मालूम नहीं कर सकते। लेकिन होस्ट में दोस्तों जहाँ पे केबल बेंड हुआ है वो लोकेशन को चेक कीजिए, यानी जो ट्रॉली मूवमेंट होता है, होस्ट का ट्रॉली मूवमेंट होता है, वहाँ पे देखिए केबल कौन सा एरिया में बेंड हुआ है, केबल कहाँ पे घिस के जा रहा है, कौन सा एरिया में चांसेस रहता है केबल ज़्यादा टूटने का, उसी एरिया को चेक कीजिए। दोस्तों मैंने एक वीडियो में पूरा डिटेल में समझाया था, दिखाया था प्रैक्टिकल करके, कैसे आप केबल को जो फॉल्ट रहता है, केबल जहाँ पे फॉल्ट होता है, फॉल्ट लोकेशन का आप कैसे पता लगाएंगे, मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में समझाया हुआ हूँ, आप उसी वीडियो को देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा कैसे आप केबल कहाँ पे फॉल्ट हुआ है आप कैसे पता करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये वीडियो देखने के बाद उसी वीडियो को एक बार ज़रूर देखें,
कि आप इंडस्ट्री में तो काम कर रहे हैं, मान लीजिए केबल फॉल्ट आ गया, तो कौन सा एरिया में केबल फॉल्ट हुआ है, कितना डिस्टेंस पे केबल फॉल्ट हुआ है, आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, जो नंबर 4 में आपको बताता हूँ वो है डीसी ब्रेक। ज़्यादातर हॉइस्ट में क्या होता है दोस्तों, डीसी सप्लाई इस्तेमाल किया जाता है। हम जो ब्रेकिंग सिस्टम यूज करते हैं, ब्रेक कॉयल में हम लोग डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो हॉइस्ट में डीसी सप्लाई कहाँ से आएगा दोस्तों, ये जो कंट्रोल सप्लाई से हम लोग डीसी प्रोवाइड करते हैं। ये कंट्रोल सप्लाई जो रहता है, कंट्रोल सप्लाई से हम लोग रेक्टिफायर लगाते हैं, रेक्टिफायर का सेकेंडरी में हमको डीसी सप्लाई मिलता है, उसी डीसी सप्लाई को हम लोग ब्रेक कॉयल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे ज़्यादा चांसेस यहाँ पे रहता है दोस्तों, ये जो डायोड रहता है, डायोड बहुत बार ख़राब हो जाता है दोस्तों। अगर डायोड ख़राब हो जाए यानी डायोड शॉर्ट हो जाए तो कंट्रोल फ्यूज चला जाता है दोस्तों। तो कैसे आप डायोड को चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है उसका रेक्टिफायर यूनिट। यहाँ पे देखिए बहुत सारा छोटा छोटा डायोड है, टोटल 8 डायोड है यहाँ पे। तो हर एक डायोड को आपको इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, आप मल्टीमीटर को लाएंगे, मल्टीमीटर को आप लोग डायोड पे सेट करेंगे, नहीं तो आप कंटिन्यूटी पे भी सेट कर सकते हैं। सेट करके जो मल्टीमीटर का जो दो ओयर है, दो ओयर को आपको डायोड का दोनों साइड पे लगाना है, एक साइड पे ब्लैक वायर को, दूसरे साइड पे रेड वायर को लगाना है। तो आप लोग मल्टीमीटर में देखिए कंटिन्यूटी दिखा रहा होगा, फिर आपको क्या करना है, उसी दो ब्लैक एंड रेड वायर को रिवर्स कर देना है। यानी जहाँ पे ब्लैक वाला वायर लगाया था वहाँ पे रेड वाला लगाइए, और जहाँ पे रेड वाला लगाए थे वहाँ पे ब्लैक वायर को लगाइए, रिवर्स करके लगाइए। और आप मल्टीमीटर में देखिए, यानी डायोड अगर दोनों साइड से कंटिन्यूटी आ रहा है, उसका मतलब है कि डायोड ख़राब है। तो आप सारे डायोड को चेक कीजिए, और जो डायोड ख़राब है उसी डायोड को रिप्लेस कर दीजिए। ये कर देने के बाद आप देखेंगे आपका कंट्रोल फ्यूज नहीं जाएगा। तो ज़्यादातर ये जो फॉल्ट रहते हैं दोस्तों, मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको समझाता हूँ, जितना सारा मैं ट्रबल शूटिंग वीडियो बनाता हूँ मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपको समझाता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। और अगर आप हमें कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हॉएस्ट का हो, चाहे जितना सारा ड्राइव्स आप यूज करते हैं, मोटर हो, ट्रांसफार्मर हो, कुछ भी फॉल्ट आ जाए तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, उसी कमेंट का रिप्लाई मैं आपको बहुत जल्दी दूंगा। देखते रहिए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बोल बोल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।